कश्मीरी लहसुन के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज को खरीदने के लिए प्रसून एग्रो पार्ट गार्लिक सीड कंपनी रामबाग अखाड़ा बाजार कुल्लू में संपर्क करें। आप हमें 9816 2। नगर पंचायत बुनकर में ये जो चुनाव का दिन है और क्योंकि इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे भी वोटिंग राइट संविधान के तहत है और आज जैसे कि चुनाव के लिए यहाँ पे चार जो है चुने हुए सदस्य पहुँचे हैं जिसमें रविंद्र डोगरा जी, पवन कुमार जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष जो वर्तमान में हैं अजय किशोर जी, ये चारों लोग यहाँ पहुँचे हैं और मेरा भी मत होने के नाते मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे आज चार लोगों के जो एक आम बहुमत से जिसमें कि दूसरी बैठक में जो आम बहुमत को ही कोरम माना जाता है उसमें सर्वसम्मति से यहाँ पे श्रीमती रविंद्रा डोगरा जी को जो है नगर पंचायत भुंतर का अध्यक्ष चुना गया है और मैं इन्हें अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते और हिमाचल सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इनको निकट भविष्य में पूरे सहयोग की जहाँ पे मैं इनको आज वादा करता हूँ। और उसके साथ में जो भुंतर शहर के एक नई एक जो है विकास का एक रोड मैप बने, मैं इनसे आग्रह भी करूँगा और इनको हार्दिक बधाई देता हूँ अपनी तरफ से कि एक ये जुझारू व्यक्तित्व है, इन्होंने बहुत समय से इस नगर पंचायत में ये हैं और ऐसे में इनकी पूरी टीम जो नगर पंचायत के हमारे मनोनीत पार्षद भी हैं, भूपेंद्र शर्मा जी हैं और नरेंद्र सिंह जी बोध हैं और अमन जी हैं सकलानी, और इन सबको भुंतरवासियों को मैं इस नई टीम के साथ सहयोग करने की अपील भी करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टीम के साथ मिलकर हम जो भुंतर में एक विकास की नई गाथा लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भुंतर शहर को बहुत ही एक सबसे अग्रणी शहरों में और एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की हम आज यहाँ पे मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। ये सरकार की तरफ से क्या सही हो रही है? देखिए ये स्थानीय निकाय है, इसको वैसे भी हमेशा जब जब कांग्रेस सरकारें रही है, जो त्रिस्तरीय प्रणाली है या डायरेक्ट इलेक्शंस है, तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की है और ऐसे में आज एक जुझारू महिला यहाँ पे जो है इस नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी है और मैं इन्हें भरपूर सहयोग जो सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे पूरा आदेश है कि जो भी विकास में यहाँ पे जो एक रूपरेखा बनाई जाएगी उसमें भरपूर समर्थन दिया जाएगा। खासतौर पे हमारा जो भुंतर शहर में तटीयकरण करना है या वेंडिंग जोन बनाना है, कचरा मुक्त इस शहर को बनाना है और आधुनिक पार्क डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए हमने इनके साथ जैसे ही इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी पहली बैठक में ही हम एक समयबद्ध खाका तैयार किया जाएगा और उसके लिए भरपूर धन का प्रावधान किया जाएगा।